सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना हो चुका है, 14 जून से 14 जुलाई। आज 14 जुलाई के दिन हर कोई उनके लिए कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर रहा है। और इस समय आपको मैं बताऊं, रिया चक्रवर्ती ने और मुकेश छाबड़ा ने काफी इमोशनल पोस्ट जो है वो शेयर की है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो किया है उसको लेके लोग जो है अब रिया चक्रवर्ती के लिए पॉजिटिव होते आ रहे हैं, वो कैसे बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदन ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसके बाद से ही एक बार भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ना तो कोई फोटो, ना उनकी कोई फोटो कुछ भी शेयर नहीं किया है। यहाँ तक कि उनकी मौत से कुछ समय पहले उन्होंने उनके इंस्टाग्राम के टाइमलाइन से सारी की सारी सुशांत के साथ वाली फोटोज को डिलीट करवा भी दिया था और कर भी दिया था। ऐसे में उनकी मौत के बाद में रिया चक्रवर्ती का नाम भी काफी ज्यादा उछाला गया था। उनसे भी एक बार पूछताछ हुई जो कि 9 से 10 घंटे चली थी, जिसके बाद हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद में कई सारी बातों का सामना करना पड़ा था। उनकी कंपनीज को लेके काफी बातें उठने लगी थी। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना हो जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने अपने व्हाट्सएप पे उनकी डीपी लगाई है। डीपी लगाने के बाद जब उन्होंने यही बात, जब मीडिया में ये बात बाहर आने लग गई, तो फैंस जो है उनके लिए पॉजिटिव होने लग गए हैं और उनको कहने लगे कि शायद अभी भी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को मिस करती हैं। बात करूं अगर मुकेश छाबड़ा की, तो मुकेश छाबड़ा जो कि दिल बेचारा फिल्म के डायरेक्टर भी है, उन्होंने भी वो भी लगातार पिछले एक महीने से सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ ना कुछ इमोशनल पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने दिल बेचारा सेट के कुछ फोटोज शेयर की है सोशल मीडिया पे, साथ ही कैप्शन दिया है कि एक महीना हो चुका है, अब तो तुम्हारा फोन भी कभी नहीं आएगा। इस समय हर कोई सुशांत सिंह राजपूत को लेके इमोशनल भी हो रहा है और साथ ही उनके लिए जस्टिस की गुहार भी लगा रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, किस दिन वो असली वजह सामने आएगी जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को खत्म कर लिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप लोगों ने क्या अभी तक वो पिटीशन साइन की है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑनलाइन आप लोगों के लिए संदेश दिया था? अगर नहीं की है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सहयोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय तक जरूर पहुंचाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।